तो गाइस मैं मैक्लोडगंज में स्टे कर रहा हूँ और जिस प्रॉपर्टी में मैंने स्टे किया है वो मेरी लॉन्ग स्टे है, लगभग अराउंड 10 डेज की। तो मैंने ये प्रॉपर्टी बहुत ही सोच समझ के बुक की है विथ ऑल एमिनिटीज के साथ में। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक लुक अराउंड दूंगा और आपको इसकी बालकोनी का व्यू दिखाऊंगा जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अब शुरू करते हैं इस रूम का टूर, रूम नंबर 501। ये रूम है, चलिए चलते हैं। तो ये आपका मेन डोर रहेगा, उसी के बगल में आपको रेस्ट रूम मिलेगा। वेस्टर्न कमोड, फिर उसके बाद ही एक मिरर रहता है, फिर आपको ये सोप मिल जाएगा, फिर शैम्पू वैम्पू सब मिल जाएगा, गीजर मिल जाएगा और एग्जॉस्ट फैन मिल जाएगा, और डोर के पीछे कपड़े टांगने के लिए आपको वो सब रहेगा प्रोविजन। इसी रेस्ट रूम के साइड में आपको शेल्फ्स मिल जाएंगे जहां पे आप सामान अपने रख सकते हैं। वैसे तो फिलहाल मैंने अभी शूज, टॉवल्स ये सब रखे हैं, और इसी के बगल में आपको एक वुडन कबोर्ड मिल जाएगी। इसके अंदर हैंगर्स है और शेल्फ्स है, इसके अंदर आप कपड़े सामान सब रख सकते हैं। और ये है बेड। फिलहाल हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सैटरडे संडे हम घूमेंगे और उसके बीच में हमारा वर्क फ्रॉम होम चलेगा। एक फोन मिल जाता है जिससे आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑर्डर कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट रहते हैं। इसके अलावा इस साइड आएंगे दरवाजे के मेन डोर के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएंगी एक वाटर बॉटल जो आप जब भी खाली होने पे दोबारा रिफिल करवा सकते हैं। दो आपको टी कप्स मिल जाएंगे, दो ग्लास की वो मिल जाएंगी आपको। और ये मेनू है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से आइटम है। एक केटल मिल जाएगा, इससे पानी गर्म कर पी सकते हैं, और एक टीवी रहेगा, और ये शेल्फ रहेगा, और साथ में आपको बैठने के लिए ये दो सोफा मिलेंगे। तो आप इसके लिए यहाँ पे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल मैंने अभी इसको वर्क फ्रॉम होम के अपना टेबल बना रखा है। और एक मिल जाएगी आपकी बॉस की चेयर जो आप यहाँ बैठ के भी फील ले सकते हैं। और बेड के दोनों बगल में साइड टेबल्स रहेंगे विथ आपको स्विच बोर्ड्स मिल जाएंगे साथ में। और ये एक मिरर है जो है सेल्फी मिरर, जो लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है मेकअप करने के लिए और सेल्फीज निकालने के लिए। और ये टीवी है जिसमें आपको नॉर्मल सारे चैनल्स आ जाएंगे, हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी सारे चैनल्स पकड़ते हैं इसके अंदर। तो ये है कुछ रूम टूर, वॉक अराउंड में दिखा दिया आपको। लाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छी है, एक फैन मिलेगा, फैन की जरूरत है नहीं। फिलहाल मैं 10 दिन के लिए रह रहा हूँ मगर 10 दिन के लिए मैंने एक बार भी फैन चालू किया नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ मेनू में कौन कौन सी लिस्ट है खाने पीने की, क्योंकि बहुत जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए मेनू आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडियन ब्रेकफास्ट ये देखिए, फिर उसके अलावा ये भी देखिए, फिर उसके अलावा ये है, मैं थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि आप किसके फैन हैं। ये आपको बार काउंटर मिल जाता है जहाँ पे आपको प्रीमियम विस्की, वाइन्स, मॉकटेल सब मिल जाएंगी, और बाद में ये होटल्स के रूम के वगैरह है। तो ये मेनू आपको दे देंगे, नहीं देंगे तो आप ये मेनू काउंटर पे मांग सकते हैं रिसेप्शन पे। अब मैं आपको इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी का, ये रूम बहुत ही छोटा सा कुजी है मगर ये है कि ठंडी उतनी लगेगी नहीं, पूरा वुडन है और अच्छे से दो ब्लैंकेट मिलते हैं अच्छे खाचे से मोटे मोटे, तो ठंडी रात में लगती नहीं है बिल्कुल भी, तो हीटर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब ये जो व्यू है बालकोनी का जिसके लिए मेरे 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 ख्याल से बहुत लोग वेट कर रहे हैं देखने का, तो मैं आपको दिखाता हूं इसके पीछे का व्यू। तो चलिए दिखाता हूं। टन टन, ये व्यू देखिए, आप ऐसे खोल के भी रूम में आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको और अच्छा व्यू शानदार चाहिए तो फिर यहां से हम डोर ओपन करेंगे, स्लाइडिंग में ओपन होता है, और यहां पे आपको दो सेट आउट्स मिल जाएंगे। और ये है व्यू मैक्लोडगंज का, यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर होते हैं। और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ
बंदर दिखाई दे जाएंगे जो अलग ही प्रकार के वाइट वाइट से हैं, और ये रोड है जो पूरी कनेक्ट करती है ऊपर से आते हुए, और वो जो पहाड़ है उसके पीछे धर्मशाला का आपको एयरपोर्ट दिखाई दे जाएगा। फिलहाल धर्मशाला इसके नीचे ही है, और बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ से वो जो दृश्य दिखाई दे रही है वो है स्काई वे, स्काई रोप आपको यहीं से दिखाई दे जा रही है। और अगर मैं और आपको दिखाऊं तो यहां से आपको स्ट्रीट भी दिखाई जाएगी, ये देखिए ये पूरी स्ट्रीट है जो लंबी सी है, और पूरी यही हम एकदम मेन मार्केट में रुके हैं, और ये सेट आउट है पूरा। आप यहाँ पे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और नाइट का डिनर के साथ में ये व्यू इंजॉय कर सकते हैं। सोचिए, फील करें कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तीन टाइम का कोर्स मील खा रहे हैं और इस व्यू के साथ में, और धूप, प्यारी प्यारी धूप आपके गालों पे किस कर रही है, कैसा लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होटल, और इस होटल का नाम है, मैं बताता हूँ आपको इस व्यू के बाद में। ये व्यू है रात का, आप देख लीजिए ढलती हुई शाम का कैसा व्यू है, ए लाइट, और ये सूरज जी अभी जस्ट नीचे नीचे गए हैं। व्यू देखा आपने कैसा है। तो अब मैं बात करूं कि मैं किस प्रॉपर्टी में रहा हूं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपको गूगल में सर्च करेंगे, नहीं तो मेक माई ट्रिप या किसी भी यू नो वेबसाइट चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। इसका नाम है लॉर्ड कृष्णा बुटीक स्टे, और मेरे को पड़ा है ये 2,000 रुपीज पर डे के हिसाब से। और अगर तो मैं तो बेसिकली एक पीक सीजन में आया हूँ, तो आप ऑफ सीजन में भी आएंगे तो रेट आपको डिफर मिल जाएंगे। तो मैं पीक सीजन में आया हूँ, और रूम नंबर 501 अगर आप आ रहे हैं तो यही रूम चूज करिएगा, 501। इसका व्यू बहुत ही अलग है, क्योंकि ये इनके टॉप फ्लोर पे एक लौता रूम है जहां से आपको व्यू मिलेगा बहुत अच्छा। तो यही है होटल डिटेल्स के बारे में। तो आप कोई भी आ रहे हैं और आपको बुक करना है, तो मैं होटल की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नंबर दे दूंगा, तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अंटिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मैक्लोडगंज विथ 3 डिग्री टेम्परेचर। एनीवे, बाय बाय।